नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंड में। और आज की वीडियो में हम फिर से डिराइव करेंगे लेंस वेकल फार्मूला को, बट इस बार क्या होगा, हम लोग यहां पर डबल करके लेंस के लिए डिराइव करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किसके लिए किया था, वेरी गुड, डबल कन्वेक्स लेंस के लिए किया था। तो सबसे पहले आप चलते हैं अपने फिगर की तरफ, डबल कन्वेक्स लेंस की तरफ। ठीक है, फिगर समझने में आप लोगों को बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सेम वही है। ये देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पे B और यहां पे देखिए E। ये जो B और E है, ये क्या है, इस कन्वेक्स लेंस के, सॉरी, इस कंकेव लेंस के पोल्स हैं। क्या है, कंकेव लेंस के हमारे पोल्स हैं। अब चलिए यहां पर आप बात करते हैं। अब देखिए इधर आइए, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा वही सेम ऑब्जेक्ट है, वही हमारा ऑब्जेक्ट है जहां से हमारा लाइट सोर्स एमिट होगा। ठीक है, और ये हमारी जो लाइन है, जैसे मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, इसको हम हमेशा की तरह कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। तो ये देखिए, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिए, ये हमारा यहां से देखिए हमारी ये लाइन जा रही है यहां पर एम पॉइंट तक। ये देखिए एम पॉइंट तक पहुंची। अब एम पॉइंट पहुंची यानी कि यहां म्यू वन, हमने पहले बताया था कंडीशन लेंस वेकल का फार्मूला क्या होता है, भी निकाल लेंगे कि म्यू वन इज लेस देन क्या होगा, म्यू वन इज लेस देन म्यू टू। ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा म्यू वन इज लेस देन म्यू टू होगा, तभी आप लेंस वेकल का फार्मूला निकाल सकते हैं। अब ये देखिए यहां पे क्या है, लाइट हमारी रेयरर से डेंसर में जाएगी। ठीक है ना, कहां से जाएगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी। आप सबसे पहले ये देखिए, आप कितने बार का सिचुएशन रहे हैं जिसको मैं अभी आपके सामने शेड आउट कर रहा हूं। ठीक है, कितने बार का सिचुएशन रहा है, मैंने इसको शेड आउट किया। देखिए मैंने इसको शेड किया, यहां पे हमारी ये लाइट यहां से पहुंची एम पॉइंट पर। अब देखिए एम पॉइंट पे पहुंची, उसके बाद क्या होगा, अब मान लेते हैं पीछे वाला पार्ट कवर नहीं करता है, तो यहां पर ये वर्चुअल इमेज बनाएगी। ये देखिए वर्चुअल इमेज बनी आई पर, कहां बनी, जब हमने ये वाला नीचे वाला इसे कंसीडरेशन में लाया नहीं है, हमने कंसीडर ही नहीं किया कि पीछे कुछ है, हमने केवल शेडेड पार्ट पोर्शन को कंसीडर किया, यानी कि ए बी एंड सी सरफेस, ए बी सी सरफेस को हम लोगों ने क्या किया, अपने कंसीडरेशन में लिया। तो अब हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बनी, कहां पर, आई आई वन की, आई वन क्या है, वर्चुअल इमेज है, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी वन। ठीक है, चलिए आपको उत्तर समझ आ गया होगा। यहां देखिए ऑब्जेक्ट, यहां पे इसमें से ऑब्जेक्ट से लेकर यहां तक डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहां पर बात करते हैं, अब क्योंकि हमारे अब जो होगा म्यू वन से म्यू टू में एंटर हो चुका है लाइट। अब ये देखिए उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, अब मान लेते हैं कि जो पीछे वाला पार्ट है ये भी हमारे पास है, यानी कि डी ई और एफ। अब डी ई एफ पूरे को लीजिए, डी एफ को भी अपने कंसीडरेशन में ले आइए, तो हमारी जो लाइट है वो दोबारा एक बार रिफ्लेक्ट होगी। देखिए दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, दोबारा रिफ्लेक्ट होने के बाद एंड पॉइंट पर, देखिए ये एंड पॉइंट दिख रहा है ना आपको, एंड पॉइंट पे वापस ये एक वर्चुअल इमेज बनेगी आर, कौन सी इमेज बनाएगी आर, जिसका हमारा इमेज डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको तो समझ आ गया। अब हम लोग को प्रूफ, अपने प्रूफ की तरफ ही भी थोड़ी देर में चलेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से देख ले रहे हैं। तो चलिए देखिए फिर से आप लोग एकदम शॉर्ट में समझ लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस शेडेड पार्ट को अपने कंसीडरेशन में लिया, यहां से हमारी लाइट गई, पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक वर्चुअल इमेज आर वन फॉर्म हुई जिसका इमेज डिस्टेंस कितना था, वी वन। ठीक है, दोबारा ये देखिए, अब हम लोगों ने जो अनशेडेड पोर्शन था जिसको हम पहले नहीं कंसीडर कर रहे थे, अब इसे भी कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर करेंगे तो ये एन तक पहुंचेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है डेंसर से अगेन रेयर में आ रही है ना, जब डेंसर से हमारी लाइट रेयर में आएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी, तो एन, अभी देखिए एन से अगेन एक वर्चुअल इमेज बनेगी आर आर। ठीक है, जिसकी हमारी क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस वी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वर्किंग सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारा इमेज कैसे कहां कहां पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, म्यू वन म्यू टू क्या है, बेसिकली म्यू वन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का, रेयर मतलब कि हमारी एयर। ठीक है ना, और म्यू टू बेसिकली हमारा टेंशन मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि इमेज कैसे बन रही है, ऑब्जेक्ट कहां कहां हमारी लाइट हो रही है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है, किस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग फिगर को आराम से बैठ के ड्रॉ कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी देर बाद अपने इसके प्रूफ की तरफ चलूंगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसके प्रूफ की तरफ। देखिए प्रूफ में, प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे
ए बी और सी सरफेस में, ए बी सी सरफेस में देखेंगे, ए बी सी सरफेस, ए बी सी सरफेस में आप लोग देख रहे हैं जो लाइट है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। हम लोग यहाँ पे दो चीजें देखते हैं, पहला इमेज डिस्टेंस और दूसरा यहाँ पे क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहला क्या देखते हैं इमेज डिस्टेंस, दूसरा क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये सबसे पहले जो हमारी इमेज बननी है इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वी वन, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इमेज डिस्टेंस वी वन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हम लोग इसको कैसे किस तरह से फॉर्मूले में कोरिलेट करेंगे, सेम जैसे हमने डबल कन्वेक्स लेंस के लिए किया था उसी तरह डबल कॉनकेव के लिए भी हम लोग करेंगे। ये देखिए mu upon v1, mu upon v1 minus mu1 upon u is equal to कितना हो जाएगा mu2 minus mu1 upon r1, r1 is the radius of curvature। मैंने पहले बताया था इसको हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। अब यहां पे उसी के नीचे यहां पर अब क्या हो जाएगा, अब हम दूसरे सरफेस की बात करते हैं, दैट सरफेस, अब किस सरफेस की बात कर रहे हैं, अब हम लोग दूसरे सरफेस की बात कर रहे हैं, फिगर आप लोगों के पास बना होगा, देखिए डी ई और एफ, डी ई एफ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो डी ई एफ सरफेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जो लाइट है वो कहां से जा रही है, डेंसर से इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या रहेगी v, इमेज डिस्टेंस रहेगी v एक्चुअल, और यहां पर जो हमारी जो पहली जो वर्चुअल इमेज बनी थी i1 पे अब वो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, तो यहां पर कितने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा v1, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे भी फॉर्मूले के थ्रू ही कोरिलेट कर लेते हैं, तो देखिए फॉर्मूले को हम लोग कोरिलेट करते हैं, जैसे हमारा डॉट ड्रॉप कर ले रहा हूं, ये देखिए मैं इसको फॉर्मूले की तरह ही कर दे रहा हूं। अब ये देखिए यहां पर हमारे पास अब कितना आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1, ठीक है। अब आप देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं μ1, ये देखिए μ1, अब μ1 अपॉन कितना आ जाएगा v माइनस μ2 अपॉन v1 माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू mu1 minus mu2 upon r2, जहाँ पे r2 क्या है, radius of curvature ही है। हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, equation number 2, ठीक है, इसको equation number 2 मैंने इस stage से छोड़ रखा है ताकि हमें अब इसके बाद क्या होगा, दोनों equations को add करना है, तो लोग को इसलिए मैंने यहाँ लिखा ताकि addition करने में आसान हो। ये देखिए नीचे का portion drop कर दे रहा हूँ, ये देखिए अब क्या है मेरा काम है इन दोनों को ऐड करना, तो ये देखिए मैं यहां पे इसको ऐड करता हूं, ऐड कर रहा हूं एडिशन, ठीक है। अब एडिशन को ध्यान देते हैं, माइनस म्यू टू वी वन और प्लस म्यू टू वी वन आपस में कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा। अब देखिए म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, ये देखिए mu2 minus mu1 और ब्रैकेट इसी के साथ में क्या मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा, मतलब हम r1 minus r1 r, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग को वही सेम जैसे हमने पहले किया था, ये जो mu1 है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखिए मैं यहां ऊपर कॉमन ले लेता हूं, मैंने क्या किया, ये मैंने mu1 को कॉमन लिया, अंदर कितना बचा 1 upon v, ठीक है, माइनस वन अपॉन कितना पार्ट बचा, उसके साथ माइनस कितना बच जाएगा,
म्यू टू माइनस म्यू वन, ये बचा हुआ साथ में क्या बचेगा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इतना पार्ट हम लोग बात कर लिया। अब देखिए यहाँ का देखिए जो म्यू वन है हम लोग इसको इज इक्वल टू इस तरह ले आते हैं, ठीक है। तो रुकिए मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले थोड़ा सा रद्द कर दे रहा हूँ, रद्द करने के बाद ताकि आप लोग को प्रॉपरली समझ में आ जाए। अब ये देखिए मैं एक बात हूँ हटा दे रहा हूँ, तो चलिए अब देखिए म्यू वन कितना, अब मैंने कहा ये म्यू वन को इस तरफ ले आना है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये पार्ट बचा तो लिक्विड म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन जो म्यू वन है वो हम इक्वल टू इधर ले आएंगे, तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा म्यू वन, ठीक है। वी ब्रैकेट में आ जाओगे और उसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास कौन सा टर्म था, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कंडीशन, जिसको हम बाउंड्री कंडीशन भी कह सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे रखा हो तो हमारे पास जो इमेज होती है वो कहाँ हो जाती है, फोकस पे बन जाती है, तो बस यू की जगह उठा के इन्फिनिटी और वी की जगह एफ डाल देना, तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन और इनटू में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये क्या आ जाएगा यही हमारा फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी वही चीज है। देखिए दोनों ही केस में जब डबल कन्वेक्स कंकेव लेंस की बात करें या फिर हम लोग डबल कन्वेक्स लेंस की बात करें दोनों के अंदर जो फॉर्मूला निकलता है लेंस मेकर फॉर्मूला वो दोनों के अंदर सेम रहता है। अब वही चीज है हम लोग ये मानते हैं कि हमारा ये देखिए जो हमारे पास म्यू वन होता है वो एयर होता है इसलिए हम उसको वन ले लेते हैं और म्यू टू हमारा कोई भी होता है जिसको हम लोग म्यू एज्यूम कर लेते हैं, तो लास्ट में वही चीज होता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू ए आता है म्यू माइनस वन और यहाँ आता है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। बट एग्जैक्टली ये हमारा रेजिमे का फॉर्मूला है, ये तो जस्ट ऐसे ही अजम्पशन बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, होप आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी एक्सटेंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।